24 तारीख से मैं तो था नहीं घर पे, मैं तो काम पे था अपने। लड़ाई तब तक खूब हो रहा था। ये अकेली थी, मेरी अकेली थी, एक लड़की 2 साल की, मेरी बच्ची, खूब घर के सामने ही झगड़ा हो रहा था। फिर हमने झगड़ा देख कर फिर गेट बंद कर दिया, पूरा दिन गेट बंद ही रहे। फिर सुबह को निकल कर पड़ा, लड़ाई उसकी आ रही थी, डंडों की आवाज़ रात में, क्या नाम, इनका भी फोन आ रहा था, सबका आ रहा था, क्या नाम, भाई वहाँ से आ जाओ आ जाओ। हमारा वहाँ से निकलना कोई वो नहीं थी, है ना, कहाँ को निकलना कहाँ नहीं, हम चल सकते ना वैसे। रात को मैंने अपनी बच्ची को रोने भी नहीं दिया, हमने आवाज तक की नहीं करी, घर के सामने हमारे नारे लग रहे थे, सब सामान ले गए, जलाया तो नहीं, आग तो नहीं लगाई, बाहर रख के जलाया सब सामान, गली में रख के जलाया सामान। फिर भी हमने सुबह में तो हम निकल कर चले गए थे, सामने के दरवाजे में तो हमला हो रहा था, हम पीछे के गेट से निकल कर भागे सुबह को। ये आई मेरे अपने भाइयों को देख के, हमारे मामू के खाला आई थी अपने भाई को लेकर, बाइक से हम बाइक से निकल कर गए पिछले दरवाजे से, मस्जिद की तरफ। फिर मुस्तफा चले गए। अभी कोई रिलीफ मिला है आपको? नहीं। तुम लोग जो आते हैं यहाँ देने के लिए? हाँ, थोड़ा सा वही राशन वासन आता है और कुछ नहीं। थोड़ा भी इनके तो बस का भी नहीं है लाना, कभी नहीं लेकर आई इनके, उसका चलो मैं ला के दे दूँ, ना इनके बस का है ना कुछ वो है। हम तो दो नहीं, एक से है, मेरी बच्ची है तो 2 साल की, बच्चे के पीछे पीछे जाती है। यहाँ पे आप रह रहे हो, किराया आपको देना पड़ता है? हाँ, किराया देते हैं। अभी यहाँ पे तो हमारा 2000 रुपये में था यहाँ पे, अभी वहाँ पे अभी हम गए हैं फिलहाल में, गए हैं अभी, अभी वहाँ पे भी 2500 रुपये देंगे, यहाँ से तो सेफ रहेंगे उधर। अब वहीं करेंगे जी, उधर तो नहीं जी जी, क्या करेंगे फिर, उधर एरिया भी गंदा है, मेरी दुकान जला दी। ये दुकान है, तीनों मालिक पुड़िया पे, पुड़िया दुकान, पान की, बीड़ी, सिगरेट, गुटके, नमकीन सब की पुड़िया पे लगाता था, इसको जला दिया, खोखा था जी। ये कब से चला रही है? जी तो बचपन से ही चलाता हूँ जी, ग्राम में जी। मैंने देखा पब्लिक आ रही थी, मुझसे 2-3 गली से बोलने लगे, भैया पब्लिक आ रही है, आप घर चलो बंद करके। ये तो मैं बंद करके दुकान घर को गया ना जी, ये तो पब्लिक जा गए आगे, मेरे भी इधर पत्थर लगा तो मुझे उठा के ले गए, लिस्से वहीं खड़ा ले गए जी, पूरे को गली बोले दोस्त हमारे, उठा के ले गए मुझको। हाँ बाद में बताते हैं आपकी दुकान जला दी गई, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं जी, जल गई तो जल गई जी। फिर आपको कैसे, कितने दिन बाद आए? मैं जी आया 4 दिन बाद आया जी, मैंने देखा वहाँ पे कुछ भी नहीं है जी, ये तो जमीन जे झाड़ू लगा दी गई और जो सब फूक गया जी। जी 200-300 रुपये अपने कमा लेते थे सामान निकाल के, बचत उससे अपना घर चलता था, अपने मम्मी पापा को भी खवा सकते थे जी। जब से आपने काम स्टार्ट किया तभी भीख मांगनी पड़ती थी? हाँ पहले मानी थी मैंने भीख, कोई भी भीख नहीं देता था मुझे ना, से गाजियाबाद भी मानते थे ये 2 रुपये नहीं है आगे चलो जी, कोई नहम कर ला उनने 5 दे दिए, किसी ने 10 दे दिए, ऐसा होता था जी। तो बाद में किसी ने मुझे बताया जी भीख मानने से, माता थी उनके भीख मानने से आपका कुछ नहीं है, भगवान ने पैर खराब दिए, आपके हाथ सही हैं, आप हाथों का काम कोई बैठ के कर सकते हो। तो हमने पहले इस पे दुकान खोली थी, फिर बाद में दुकान बनाई थी ऐसी जी। जी हमने बनवाई थी MCD से लिए थे ना, हमने उनने की थी आप दुकान बना के आप रख सकते हो, तो हमने अपने पास से बनाई थी, 15-20 हज़ार में बनाई थी। कौन सी तारीख का है? हाँ बोलो। ये मेरा सर्टिफिकेट है जी पेड़ों का। अच्छा अच्छा पेड़ों का। हाँ जी यहाँ से मिल जाता है, कोई बात है उनके खा लेते हैं, कोई दे जाता है राशन वो खा लेते हैं जी। अच्छा, जो, हाँ बोलो।
वहाँ नहीं जाते जी, वहाँ पे नहीं जाते हम, वहाँ पे लेते ना वहाँ से डर के माले हम जिससे भी टूट गए थे जी, आज ही हम सही करवा के लाए थे, इसलिए इसके बिना जी हम चल नहीं पाते हैं जी। हमने अभी दुकान पे गए थे अपने जान से ही पैसे उधार ले कर किसी से, तब लगवा के लाए हैं। इनका भी थोड़ा बढ़ापे का हो जाएगा भाई, शाम को ये लेने जाते हैं इनको, सुबह वहाँ दुकान पर पहुँचाने जाते हैं।